नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार है और मैं पटना एशियन सिटी हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट पेन फिजिशियन। आज हम यहाँ एक साथ आए हैं एक कॉमन टॉपिक पे बात करने के लिए, दर्द के संबंधित, जिसको हम लोग पोस्ट वायरल आर्थराइटिस कहते हैं या वायरल फीवर के बाद होने वाला बुखार कहते हैं। बहुत सामान्य तौर पर भाषाओं में इसको लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। ये कंडीशन है, ये एक बीमारी है जिसमें सामान्यतः वायरल बुखार के बाद, जो कि आपको 1 से 2 से 3 दिन रहता है, और बुखार तो ठीक हो जाता है लेकिन आपके जॉइंट्स में दर्द बना रहता है और ये दर्द आपको लंबे समय तक तकलीफ दे सकता है। जो पोस्ट वायरल आर्थराइटिस है, इस तरह के पेशेंट्स को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखा गया है कि जिनमें विटामिन बी12 या आयरन की डिफिशियंसी है, जो वेजिटेरियंस हैं और न्यूट्रिशन लेवल उनका एडिक्वेट नहीं है, उनमें ये पोस्ट वायरल आर्थराइटिस की समस्या ज़्यादा देखी गई है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं या इनफैक्ट अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक होना चाहिए। अगर आपका विटामिन डी का लेवल, विटामिन बी12 का लेवल एडिक्वेट नहीं है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी बात कि ऐसे लोग जिनको कि कभी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम है, तो ये सलाह रहती है कि पोस्ट वायरल आर्थराइटिस अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, एक जो रूटीन एक्सरसाइज है, एटलीस्ट घर पे वो करें 15 से 20 मिनट के लिए। अपने शरीर को थोड़ी देर, जो अर्ली मॉर्निंग सनराइज है उसमें थोड़ा सा धूप का सेवन करें, तो और बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत है। अगर आप इन बेसिक्स स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आर्थराइटिस के पेन में आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको इन चीज़ों से रिलीफ नहीं मिलता है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। ओवर द काउंटर एनसेड्स या दर्द की दवाओं का मिसयूज करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये दवाइयाँ आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान कर जाती हैं। एक कॉमन सवाल है कि सर, कुछ ऐसी चीज़ें खाने से हमें बचना चाहिए क्या, जिससे कि ये दर्द कम हो सकता है? तो ऐसे फूड आइटम्स जो कि शरीर में सूजन या इन्फ्लामेशन को ट्रिगर कर सकते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। जैसे ब्रिंजल, टोमेटो, कैप्सिकम, इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। ये चीज़ें सामान्यतः इन्फ्लामेशन को ट्रिगर कर सकती हैं, अगर पहले से इन्फ्लामेशन है तो ये इनको बढ़ा सकती है, तो इन चीज़ों को सेवन करने से बचें। और पोस्ट वायरल आर्थराइटिस के बुखार के बाद जो आपको दर्द है, इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और किसी भी तरह का मिथ दिमाग में नहीं रखें कि अब मेरे को गठिया हो गया है, ये पूरी तरह से कभी ठीक नहीं होगा और आपको हमेशा इस दर्द से सफर करना पड़ेगा। अगर आप सही जगह पे सही समय में अपने डॉक्टर से मिलेंगे, तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, और इसके लिए आप पटना में एशियन सिटी हॉस्पिटल में पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।